अफगानिस्तान के U19 विश्व कप में श्रीलंका को 32 रन से हराया। अफगानिस्तान की U19 क्रिकेट टीम ने ICC U19 क्रिकेट विश्व कप में 32 रन से न्यूजीलैंड के वांगरेरी में अपने दूसरे मैच में श्रीलंका को हरा दिया है। श्रीलंका ने टॉस जीता और फील्ड का फैसला किया। ग्रुप डी में पहले से पाकिस्तान को हराकर अफगानिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में अपने इतिहास में दूसरी बार जगह बना ली है, जो 2014 में संयुक्त अरब अमीरात में पहले चैंपियन दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद किया था। अफगानिस्तान के लिए सफलता बांग्लादेश में 2016 के U19 विश्व कप से 180 डिग्री की बदौलत भी है, जब उन्हें पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ एक समूह में रखा गया था, लेकिन दोनों पक्षों ने पराजित किया था। बुधवार की जीत इब्राहिम जदरन से आधा शतकों की एक त्रयी ने 112 गेंदों में 86 रन बनाए, जबकि इतरमल इखाइल ने 89 गेंदों में 55 रन बनाए और दारिश रसू ने 44 गेंदों में 63 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके लगाए गए थे। जिडारन ने अपने महान प्रदर्शन के बाद मैच के खिलाड़ी को निकाल दिया। श्रीलंका के लिए 108 रन के लिए 24 ओवर के बाद बारिश आने के बाद संतुलन में था। अंतिम 14 ओवरों में 127 रन का संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया गया था और आवश्यक रन रेट 6.80 सेकंड बढ़कर लगभग 10 ओवर हो गया। अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और टीम के कप्तान नवीन उल हक ने पहले 4 ओवरों में 2 विकेट गंवाए। नवीन ने 8 ओवर में 35 रन देकर 4 विकेट लिए और एक आउट आउट भी किया। अफगानिस्तान शनिवार को अपने अंतिम ग्रुप डी मैच में आयरलैंड को खेलेगा। श्रीलंका ने पाकिस्तान का मुकाबला किया, जिसमें क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान में शामिल होने वाले विजेता शामिल थे। नेट रन रेट टाई ब्रेकर की वजह से एक टाई या वाशिंग आउट ने पाकिस्तान को नॉकआउट आउट कर दिया। टूर्नामेंट के पहले मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने मैच में पहले बल्लेबाजी की और अफगानिस्तान के लिए लक्ष्य 18-9 निर्धारित किया।
लक्ष्य 48 ओवरों में 5 विकेट खो चुके अफगान टीम ने पूरा किया।